सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपको पिज़्ज़ा डो बनाना सिखाऊंगी। बहुत से मेरे जो बहन भाई हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि पिज़्ज़ा डो की जो आप रेसिपी हैं वो हमें बताएं। तो रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बताने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है ताकि आप मेरी लेटेस्ट वीडियोज से अपडेटेड रहें। इसके अंदर जो चीज़ें हमें अज्जा चाहिए होंगे वो है मैदा मैंने लिया 2 कप। उसके बाद मैंने अंडा लिया 1। फिर हम यीस्ट का इस्तेमाल करेंगे, 1 चम्मच मैंने यीस्ट ली है और ये इंस्टेंट यीस्ट है, इसको आप डायरेक्ट जो है आप अपनी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नमक जो है ये अपने हस्बे जायका लेना है और मैं 1 चुटकी इस्तेमाल करूंगी या फिर 1/4 टेबल स्पून। उसके बाद चीनी 1 चम्मच ली है, ये है घर में जो आम इस्तेमाल होता है कुकिंग ऑयल, मैंने कुकिंग ऑयल के 2 चम्मच इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद आप कुकिंग ऑयल की जगह मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने इसमें होल मिल्क इस्तेमाल किया है। आप इसमें खुश्क दूध के 2 चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम जो दूध है इसकी मिकदार कोई नहीं है, जैसे हम इसको भूनना शुरू करेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। अब हम देखते हैं इसको भूनेंगे कैसे। ये जो डो हम बनाएंगे इसका आटा गूंदने के लिए हम सारी खुश्क अशिया जो है वो पहले इसमें मिक्स कर लेंगे। मैं चीनी जो मैंने ली थी 1 चम्मच ये मैं इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने जो यीस्ट लिया था वो भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया। नमक मैंने आपको बताया था हंसते जरूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसमें 1 चुटकी डाल रही हूँ या 1/4 जो चाय के चम्मच होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूंगी। अब मैं ऑयल डालूंगी इसके अंदर 2 टेबलस्पून। अब इसके अंदर मैं 1 अंडा जो मैंने इस्तेमाल करना है मैं थोड़ा सा अंडा बचा लूंगी, ये हम उसके ऊपर ग्लेज करने के लिए इस्तेमाल करेंगे बाद में। देखें आप इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स जो अच्छी तरह आपस में मिक्स हो जाएं। अब हम दूध के साथ इसको गूंदना शुरू करेंगे। ये देखिए मैंने एक प्लास्टिक का बोल लिया, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल लिया। अब मैं इसको ग्रीस कर दूंगी ऑयल से। ये हमने अपनी जो हमारी डो हमने अभी बनाई है उसको हमने छोड़ देना है फूलने के लिए ताकि वो राइज हो जाए। ये देखिए मैंने अपने हाथों पे भी थोड़ा सा ऑयल लगाया, इसको उठाएं और इसके ऊपर ताकि क्रैक्स ना बने, जब ये राइज होगी इसके ऊपर क्रैक्स नहीं बने। इसके ऊपर आप कोई भी कपड़ा दे के रख दें, कोई ढक्कन दे के रख दें या क्लिंग रैप लगा लें। मैं इसके ऊपर कपड़ा दे के रखूँगी, अभी मैं इसको किसी ऐसी जगह पर रखूँगी जहाँ पे खुश्क और गर्म हो जाए जगह ताकि ये जल्दी राइज हो जाए। अगर आपकी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो 30 से 45 मिनट्स लगते हैं इसको राइज होने में। अगर सर्दियाँ हैं तो फिर आपको ज़रा एहतियात करनी पड़ेगी, आपने देखना है अगर ये राइज ना हो तो उसको ज़्यादा टाइम दें। मैं इसके ऊपर कपड़ा डाल के इसको रख दूँगी राइज होने के लिए। ये देखो आपने इसको कंटेनर में निकाल लिया। अब मैं इसको क्लिंग रैप से ऊपर से मैंने इसको कवर कर देना है और फिर मैंने इसको राइज होने के लिए रख देना है। राइज होने का मुझे बिल्कुल पता चल जाएगा 30 से 40 मिनट्स, क्योंकि आजकल हमारा यहाँ पर समर चल रहा है। ये देखिए और मैं इसको माइक्रोवेव ओवन में रखूंगी, वहाँ पर जगह ज़्यादा खुश्क होगी और ज़रा गर्म होगी तो ये जल्दी राइज हो जाएगा। आपने इसको तब तक इस्तेमाल नहीं करना जब तक कि अच्छी तरह राइज ना हो जाए। तो कई जगहों पे जहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है मे बी ये 1-2 घंटों का काम हो कि ये राइज हो, तो इसलिए परेशान नहीं होना इसको।
तो मैं अब इसको रखती हूँ अपने माइक्रोवेव ओवन में ताकि ये राइस हो जाए। अब ये देखें, ये मैंने निकाल लिया, ये राइस हो चुका है, ये देखें। अब मैं इसको इसमें से बॉल में से निकाल के, मैंने ये वर्किंग सरफेस ली है, मैंने क्लीन कर लिया है इसको काउंटर को अच्छी तरह से, और अब मैंने इसके ऊपर मैदा फेंक दिया। मैं इसके ऊपर हल्का हल्का इसका इससे बेलूंगी ताकि ये जो डो है उसमें से जो एक्स्ट्रा हवा है फूलने की वजह से हुई भी वो निकल जाए। ये देखिए, अब मैं आपको ये पिज्जे के लिए बेल के दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे बेलेंगे पिज्जे के लिए। ये देखिए, ये अब हमारी पिज्जे के लिए ये डो तैयार है। अब मैं इसको बेल के पिज्जे के लिए जितनी मैं इसको रखना चाहती हूँ चौड़ा मैं उतना कर लूँ। ये मैंने आपके लिए डो बनाना सिखाया है आपको कि पिज्जे की डो कैसे बनती है, आप पिज्जा बनाते कैसे देखने के लिए मेरी अगली वीडियो का वेट करें। वो मैं अगली वीडियो अपलोड कर रही हूँ जल्दी, फिर उसमें आपको पता चलेगा कि हम पिज्जा कैसे बनाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है ट्राई करें और मुझे बताएं पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर करें। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, अपने रिव्यूज दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। फिर जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।